क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। वो हमारा क्या था, लेसन सी हाउ आई वर्क। सी देखो, हाउ आई वर्क, मैं कैसे काम करता हूँ। इसमें हमने पीछे का तो पढ़ लिया था, आगे क्या है, स्टमक। स्टमक यानी पेट। ये क्या है, पेट। देखो, द फूड दैट वी ईट गोज इनटू अवर स्टमक। द फूड, भोजन, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, गोज, जाता है इनटू अवर स्टमक, हमारे पेट में। जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। द, ये क्या है, द स्टमक ब्रेक्स डाउन द फूड दैट वी ईट। द स्टमक ब्रेक डाउन ईट द फूड, भोजन के टुकड़े कर देता है। दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, क्या है, जो हम भोजन खाते हैं, पेट क्या करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इट आल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड। इट आल्सो हेल्प अस टू, ये हमारी सहायता भी करता है डाइजेस्ट, पचाने में, स्टार्ट डाइजेस्ट अवर फूड। अब क्या है, इट आल्सो हेल्प अस, जो हम भोजन करते हैं उसको क्या करता है स्टमक, डाइजेस्ट अवर फूड, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट पचाने में हमारी मदद करता है। कौन करता है, स्टमक। अब देखो, बोन्स आर मसल्स, बोन्स हड्डियां, मसल्स मांसपेशियां। अब देखो, अवर बॉडी आल्सो हैज बोन्स, अवर बॉडी हमारा शरीर, अवर बॉडी आल्सो हैज भी हड्डियां, क्या है, हमारे शरीर में हड्डियां भी है। दे आर अटैच्ड टू मसल्स, दे आर अटैच्ड यानी कि जुड़ी हुई है, ये क्या है, जोड़ना, जुड़ी हुई है मसल्स, वो ये जो बोन्स है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, मसल्स के साथ जुड़ी हुई है। दे बोन्स गिव शेप टू अवर बॉडी, अब बोन्स क्या देती है, बोन्स गिव हड्डियाँ देती है शेप, आकार टू अवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या देती है, शेप देती है, आकार देती है, कौन, बोन्स, हड्डियाँ। बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू स्टैंड, मूव, प्ले एंड रन। आगे देखो, बोन्स एंड मसल्स हेल्प करती है इसमें स्टैंड, खड़े होने में, मूव, इधर उधर घूमने में, और क्या है, प्ले, खेलने में, और रन, दौड़ने में। तो क्या है, जो ये मसल्स, ये सॉरी बोन्स और मसल्स क्या है, हमारी खड़े होने में, इधर उधर घूमने में, खेलने में और दौड़ने में हमारी मदद करती है। अगर देखो, वी मस्ट ड्रिंक मिल्क डेली टू कीप अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, हमें हर रोज मिल्क डेली क्या है, हमें हर रोज दूध पीना चाहिए, टू कीप अवर बोन्स, किसके लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें हर रोज दूध पीना चाहिए, ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी हो। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक का करेक्ट ऑप्शन, जो सही है वो, जो ऑप्शन ठीक है उस पर क्या है, टिक का निशान लगाना है। देखो, पहला क्वेश्चन है, अवर किडनीज लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। अब बताओ मेरे को, सांस लेने में हमारी हेल्प कौन करते हैं, किडनीज करते हैं या लंग्स करते हैं, ये क्या है, गुर्दे, और ये फेफड़े, तो क्या है, लंग्स, कौन करता है, लंग्स। सेकंड है, ऑल द ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द स्टमक या ब्रेन। ऑल द ऑर्गन, शरीर के सभी अंग, ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर के सभी अंगों को आर कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है, स्टमक करता है या ब्रेन करता है, तो ब्रेन, ब्रेन करता है ना, हाँ। आगे देखो, देयर आई इज एन इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन,
आई कौन सा अंग है, इंटरनल ऑर्गन है या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन है? तो आई हमें दिखाई देती है ना सामने से, इंटरनल ऑर्गन वो होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, और ये क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो आई कौन सा है, एक्सटर्नल ऑर्गन। ब्रीथिंग विल मेक अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग या वीक, क्या करती है ड्रिंकिंग, हम जो दूध पीते हैं वो हमारी हड्डियों को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वीक बनाता है? तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, मिल्क। आगे वी हैव वन टू हर्ट इन अवर बॉडी, ये क्या है, हम रखते हैं, वैसे तो इसका ये आएगा, हम रखते हैं हमारे शरीर में कितने हर्ट होते हैं, वन होते हैं कि टू होते हैं, ये एस इसलिए लगा है क्योंकि ये टू है, टू के पीछे हर्ट लगा है, इसके पीछे इसलिए हर्ट जो है ये। तो क्या है हमारे शरीर में वन हर्ट है, क्या है, वन हर्ट। तो ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए, हमें सांस लेने में लंग्स मदद करते हैं और हमारे पूरे शरीर के अंगों को कौन कंट्रोल में रखता है, ब्रेन। और आई है वो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन। और दूध पीने से क्या होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है और हमारे शरीर में एक हर्ट है। अब आगे आपको दिया हुआ है आपके बुक में, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। आगे बी क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कल द इंटरनल ऑर्गन, जो आंतरिक अंग है उन्हें हमें सर्कल करना है, ठीक है। जो ये क्या है, मैंने अभी बताया ना, एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमें दिखाई देते हैं वो छोड़कर बाकी सब, तो ये आपको खुद को करना है बुक में, इसके सर्कल लगा लेना जो कि अंदर के अंग है। स्टार्ट। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया आपको, अब इस जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया है इसकी रीडिंग कर लेना। स्टार्ट। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, और बुक की रीडिंग जो करोगे, अगर जो स्पेलिंग नहीं आ रही है वो नोटबुक में लिखकर लर्न कर लेना उसको भी।